start. Hi, my name is Zumi. Today I am going to explain Rutherford's model of an atom. तो पहले तो जे जे थॉम्पसन ने अपना जो स्ट्रक्चर दे दिया था उसके बाद अंदर से रुदरफोर्ड को मतलब इंटरेस्ट हुआ कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स है तो मतलब वो अरेंज कैसे है. तो उसके लिए उसने एक्सपेरिमेंट ट्राई किया. तो उसमें उसने गोल्ड फॉइल लिया क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज वैसी थी इसीलिए. उसके बाद उसने अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल में से बॉम्बार्ड किया. तो उससे लगा कि जो एक्सपेरिमेंट आएगा उसमें कुछ ऐसा आएगा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स होंगे वो डिफ्लेक्ट होंगे, ऐसा उसे लगा. पर जो रिजल्ट था वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था. तो पहला तो रिजल्ट ये आया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो पास्ट हो गए थे, पास्ट क्रिएट हो गए थे एट गोल्ड फॉइल ऑफ एटम में से. दूसरा आया कि बहुत छोटा सम अमाउंट ऑफ एटम्स देवर मीन्स जस्ट डिफ्लेक्टेड बाय सम एंगल्स, देवर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम सम एंगल्स. And out of 12,000 alpha particles, one was like that was rebounding. और उस ये तीन हमारे साथ ये तीन unexpected result के बाद उससे उसने conclusion दिया. पहला conclusion क्या दिया कि atom जो है उसमें बहुत सारी empty space है. क्यों? क्योंकि बहुत सारी alpha rays तो passed हो गई जिससे उसे पता चला कि एटम में बहुत सारी एम्प्टी स्पेस है. दूसरा उसने ये दिया कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है मींस प्रोटॉन वो बहुत छोटी जगह पर कवर करते हैं एटम के, ना ही पूरी. जैसे जे जे थॉम्पसन ने बोला था वो गलत था. क्या क्यों गलत हुआ? क्योंकि सम एंगल्स थोड़े ही एंगल से वो डिफ्लेक्ट हो रहा था इसीलिए. और थर्ड उसने ये दिया कि जो मास है एटम का, जो मास है और पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के सेंटर में से है. क्यों? क्योंकि एक ही रिबाउंड हो रहा था. उसके बाद इससे मतलब रुदरफोर्ड का मतलब तो नहीं था कि जे जे थॉम्पसन के स्ट्रक्चर को गलत माने, पर ये जो दिया कंक्लूजन उससे वर्ल्ड ने मतलब ये प्रूफ हो गया कि जे जे थॉम्पसन ने जो मॉडल दिया है वो गलत है. तो मतलब फिर सबने बोला कि अगर ये गलत जे जे थॉम्पसन का जो मॉडल है वो गलत है तो तुम्हारे रिजल्ट से एक्सपेरिमेंट से अपना खुद का मॉडल दो. तो उसके बाद जे जे रुदरफोर्ड ने ये मॉडल दिया कि एटम के बीच में जो है वो न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के राउंड में रिवॉल्व करे सर्कुलर पाथ में, जस्ट लाइक दिस. तो इसके बाद रुदरफोर्ड ने ये दिया. पर उसके बाद रुदरफोर्ड का ड्रॉबैक भी आ गया. क्यों? क्योंकि हमें तो पता था, मतलब साइंटिस्ट था मैक्सवेल, उसने ये बोला, मैक्सवेल ने रुदरफोर्ड के स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल को देख के, कि पर हमें तो पता है कि अगर कोई भी पार्टिकल अगर सर्क्यूलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो वो तो मतलब एक्सेलरेशन में आ जाएगा. अगर वो एक्सेलरेशन में आएगा तो मतलब वो अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा, रेडिएट मीन्स लूज करेगा. तो अगर वो अपनी एनर्जी ऐसे ही रिवॉल्व करते 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 लूज करेगा तो फाइनली वो यहाँ से ऐसे रिवॉल्व करते 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 अपनी एनर्जी लूज करके अंदर चला जाएगा न्यूक्लियस में. और उसके बाद तो एटम रहेगा ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. मतलब ब्लास्ट, जस्ट लाइक ब्लास्ट, इट विल नॉट एग्जिस्ट. बट हमें तो पता है कि एटम इज स्टेबल, एटम स्टेबल है, वो एग्जिस्ट भी करता है. इसीलिए फिर मैक्सवेल ने कहा कि रुदरफोर्ड का भी ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो भी गलत है. क्योंकि गलत है. थैंक यू. ओके, वेरी गुड.